नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड। भाई आपको पता है यूएई में और इसराइल में पहले से दोस्ती नहीं थी, एक तरह से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन दोस्ती नहीं थी, बिल्कुल अलग-अलग थे। और आपको पता भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करके सऊदी के साथ में, यूएई के साथ में, कतर के साथ में इसराइल का एक समझौता, शांति समझौता जिनको बोलते हैं, वो करवाया है। और करवाया है क्या, वो समझौता सफल भी हो गया, लिखित में समझौता भी हो गया यूएई के साथ और इसराइल के साथ में। आपस में फ्लाइटों का आदान प्रदान पहले नहीं था भाई, क्योंकि इसराइल एक अलग देश है जिसको ये काफी सारे देश है जो मान्यता नहीं दे रहे थे। इन्होंने मैंने मान्यता भी दे दी, फ्लाइटों का नियमित रूटीन भी बना दिया कि एक सप्ते में दुबई से इसराइल के लिए 28 फ्लाइटों का आदान प्रदान होगा। जो यूएई की जो इमिरेट्स फ्लाइट है, उन्होंने सबसे पहले फ्लाई दुबई ने स्टार्ट की है, जो सप्ताह में 28 फ्लाइटों का संचालन करेगी। जी हाँ, लेकिन यह बात निकल के सामने आ रही है, 26 नवंबर से सीधी फ्लाइट स्टार्ट हुई थी कि भाई इजरायली लोग दुबई में आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं 90 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना वीजा के लिए। जी हाँ, लेकिन इसी के चलते 200 लोगों को दुबई एयरपोर्ट पे नजरबंद कर दिया गया, इजरायली लोगों को दुबई एयरपोर्ट पे। जी हाँ, अब क्या माजरा हुआ, क्यों किया गया, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको हर रोज नहीं मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जो नियमित फ्लाइटें स्टार्ट हुई थी नवंबर में, 26 नवंबर के करीब ये फ्लाइटें स्टार्ट हुई थी दुबई से, दुबई और इसराइल के बीच में। तो वहां से जो फ्लाइट आ रही थी इसराइल से, उसमें 200 पैसेंजर थे जिनको दुबई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, यानी एक तरह से उनको साइड में बिठा लिया किसी बड़े हॉल में कि आप यहाँ बैठिए, आपको हम रोकते हैं, आपको दुबई एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करने देंगे। ये रीजन क्या था मैं बता दूं आपको। पता है उनका जो समझौता हुआ था दोनों देशों का आपस में, उसमें बहुत सारी मुफ्त वीजा के बारे में, बिजनेस के बारे में समझौते उनके हुए थे, शांति समझौता वगैरह। तो उसमें ये समझौता हुआ कि भाई इसराइल के लोग यूएई में बिना वीजा के 90 दिन तक रह सकते हैं और दुबई के लोग इसराइल में 90 दिन तक रह सकते हैं। ये एक बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वीजा की जरूरत नहीं है इन लोगों को। ये दुबई इसराइली लोग आए 90 दिन तक यहाँ स्टे करें, वापस अपने देश जा सकते हैं। बाकी अगर वो अलग से ज्यादा रहते हैं तो वो सेम प्रोसेस होता है, आपको सबको पता ही है। तो इसके तहत मैं बता दूं 200 इजरायली लोग फ्लाइट में बैठ के यहाँ आए, लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन 26 नवंबर को फ्लाइट आई उससे एक दिन पहले यूएई ने कुछ अपने वीजा अपडेट चेंज किए थे। आप सबको पता है बहुत सारी कंट्रीज को बैन कर दिया था, जिसमें और सारी भी कंट्रियां हैं बैन कर दी। उस दौरान यूएई ने बोला था कि भाई, हालांकि अपडेट भी दे दिया था उनके विदेश मंत्रालय को, फ्लाइट को भी अपडेट दे दिया था, लेकिन वो एयर फ्लाइट की गलती थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ये बोला था वे कि भाई अगर इजरायली लोग इंडिया में आते हैं, दुबई में आते हैं, तो उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो वीजा लेना पड़ेगा, यानी एंट्री वीजा, जिसका हालांकि कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो भरना पड़ेगा। इसी के चलते फ्लाइट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो फ्लाइट दुबई थी, दुबई की फ्लाइट वो उनको वहां से लेके आ गई, लेकिन उन्होंने नहीं तो उनको ये सूचना दी नागरिकों को, नहीं उनको बताया, तो उनकी तो उनमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका जो समझौता हुआ था उसमें तो आप वीजा की जरूरत ही नहीं थी, तो वो उस हिसाब से आ रहे थे। दुबई ने नेम चेंज कर दिया कि भाई उनको फ्री तो है, लेकिन उनको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके चलते उनको फिर फ्लाई की, दुबई की जो फ्लाइट है उसकी गलती की वजह से उनको रोकना पड़ा। हालांकि वो अभी निकल चुके हैं, उनका जो भी है फॉर्मेलिटीज करके उनको निकाल दिया गया। यह तो है नहीं कि 200 बंदे हैं, 200 यात्री हैं तो वापस वो इसराइल पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लाइट आई थी रुचि में, ये प्रॉब्लम उनके साथ में क्रिएट हो गई। बाकी बस ये अपडेट आपको साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।